नमस्कार दोस्तों, एसपी स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट बॉटनी का क्वेश्चन पेपर मैं डिस्कस करने वाला हूं। यह क्वेश्चन पेपर 2023-24 सत्र का है, जो कि सिद्धार्थ विश्वविद्यालय का यह क्वेश्चन पेपर है। ऐसे विद्यार्थी जिनका इस बार बीएससी का फर्स्ट सेमेस्टर है, उन सभी के लिए आज की क्लास महत्वपूर्ण होगी। दोस्तों, ये क्वेश्चन पेपर जो मैं आज को आप लोग को दिखाने जा रहा हूँ, ये है एनईपी के अकॉर्डिंग, नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग। एनईपी 2020 में लागू हुई थी और इसके तहत सभी विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम सेम कर दिया गया है। आप चाहे जिस विश्वविद्यालय से हों, सभी में सेम सिलेबस है और इसी प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। दोस्तों, क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस कराने का पर्पस यह है कि आप क्वेश्चंस से रूबरू हो सकें, आप अपने पेपर के प्रकार को समझें कि किस प्रकार के प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, पेपर कितने भागों में डिवाइड होता है, कितने नंबर का पेपर होता है और इसका पेपर टाइटल क्या रहेगा, कितना पेपर होगा, ये सभी मैं आपको बारीकी से आज बताने वाला हूँ। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बीएससी के सेमेस्टर फर्स्ट बॉटनी का जो पेपर टाइटल है वह है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। यह पेपर 75 नंबर का आप लोग का कराया जाएगा। टोटल पूर्णांक की बात करें तो 100 नंबर का पूर्णांक होता है, इसमें से 75 का थ्योरी और 25 का मिड टर्म एग्ज़ाम आपका या प्रैक्टिकल के मार्क्स ऐड होते हैं। ठीक है, तो पेपर एक ही होगा, ये भी आप ध्यान रखिएगा। सेमेस्टर फर्स्ट में एक ही आपका पेपर होगा, 100 नंबर का होगा, लेकिन लिखित जो परीक्षा होगी वो 75 की होगी। अब ये क्वेश्चन पेपर सिद्धार्थ विश्वविद्यालय का है, तो यहाँ पर देखेंगे मैक्सिमम मार्क्स दिया गया 50, लेकिन ये केवल और केवल सिद्धार्थ विश्वविद्यालय ही ऐसा है जो 50 नंबर का पेपर करवाता है, बाकी सभी विश्वविद्यालय में 75 नंबर का पेपर होता है। ठीक है, इस बात का विशेषकर आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं पेपर को डिस्कस करना। तो यहाँ पर दिया गया ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी और आंसर ईच पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन Not more than 100 word, यानी कि 100 से अधिक नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर दिया गया है एंड रिमेनिंग क्वेश्चन इन, और जो बाकी के क्वेश्चन हैं उनके आंसर आपको 800 शब्दों में लिखना रहेगा। ओके, चलिए तो पहला प्रश्न यहाँ पर है जिसमें दिया गया है कि आंसर ब्रीफली द फॉलोइंग, निम्नलिखित के संक्षिप्त उत्तर दीजिए। इसमें पहला प्रश्न आपका है सेंट्रीफ्यूज। पहला प्रश्न क्या पूछा गया दोस्तों, सेंट्रीफ्यूज से पूछा गया कि सेंट्रीफ्यूज क्या होता है। ये क्वेश्चन आल विश्वविद्यालय में वेरी शॉर्ट प्रकार के प्रश्नों में पूछा जाता है। ठीक है, और जो विश्वविद्यालय हैं जैसे कि वीर बहादुर पूर्वांचल विश्वविद्यालय, अवध विश्वविद्यालय, साथ ही साथ महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय, और हमारा जो बनारस विश्वविद्यालय है, MJPRU बरेली विश्वविद्यालय है, ठीक है, और इस प्रकार से सेमेस्टर फर्स्ट राजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़ विश्वविद्यालय में भी इस बार लिखित परीक्षा होगी, तो वहाँ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ये पहला प्रश्न बेज टाइप का बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है। दूसरा दिया गया राइजोबियम, राइजोबियम क्या होता है, यह टॉपिक पूछा गया था। तो राइजोबियम और सेंट्रीफ्यूज दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखेंगे तो यहाँ पर प्रियोन्स पूछा गया है। दोस्तों, प्रियोन्स का टॉपिक बहुत ही कम पूछा जाता है, एग्जामिनर इसे बहुत ही कम पेपर में कंडक्ट करते हैं, तो प्रियोन्स बहुत ही महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, अगला है हेट्रोसिस्ट। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है हेट्रोसिस्ट, और हेट्रोसिस्ट के टॉपिक को मैं क्लास में आप लोग को अच्छे से समझाऊंगा। और अगला प्रश्न देखेंगे, ई नंबर क्वेश्चन है जो कि है SCP। SCP इसको कभी कभी पेपर में वेरी शॉर्ट टाइप में लिख करके आता है कि व्हाट इज SCP। तो S फॉर सिंगल, C फॉर सेल और P फॉर प्रोटीन, एकल कोशिका प्रोटीन नाम है इसका। ठीक है, एकल कोशिका प्रोटीन किसको कहते हैं भैया, सिंगल सेल प्रोटीन को कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सभी विश्वविद्यालय में गारंटी के साथ मैं कहता हूँ 2024-25 सत्र में पेपर में पूछा जाएगा, और अगर ये आपका तैयार है तो ये मानकर चलिए कि 10 नंबर आपका कन्फर्म हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला प्रश्न है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी। एल्गी को हिंदी में कहते हैं शैवाल,
तो शैवालों का आर्थिक महत्व यहाँ पर पूछा गया। दोस्तों शैवाल से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, दो प्रश्न इससे बनता है। जैसा कि पहला चैप्टर आपके बॉटनी का है, माइक्रोबल वर्ड्स एंड बायोटेक्निक्स, ठीक है, यानी इसमें माइक्रोस्कोपी के बारे में पूछा जाता है। दूसरा चैप्टर आपका एल्गी मिलेगा, बैक्टीरिया तीसरा है, चौथा फंगी है, ठीक है, और पांचवा चैप्टर है मशरूम एंड लाइकेंस। तो इसमें एल्गी की बात कर रहे थे हम, तो एल्गी में क्वेश्चंस आपसे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस तो पूछता है, लेकिन कभी कभी पूछता है कि व्हाट इज एल्गी, डिस्कस द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी एंड एसेक्सुअल, सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों पूछ लिया जाता है। तो इसका आपको दोनों तैयार कर लेना है, यानी कि लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन दोनों तैयार करना है एल्गी और फंगी का, ठीक है। यहाँ पर बी वाला देखेंगे तो पूछा गया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगी, कवको में अलैंगिक प्रजनन, क्या पूछा गया भैया, कवको में अलैंगिक प्रजनन को समझाइए। दोनों प्रश्न आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग कॉपी लेकर के बैठा करिए, जब भी मेरी क्लास अटेंड करिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो मैं लिख करके यहाँ पर नहीं बता सकता, आपको बोलकर बताता हूँ, तो उन चीज़ों को आप नोट करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। तो निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए पूछा जाता है, जिसमें है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को सफिक्स में लिखा जाता है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है TEM, ठीक है। तो आपको तैयार कर लेना है, ये माइक्रोस्कोपी का टॉपिक है। यहाँ से दो प्रश्न बनते हैं, एक बनता है आपका 5 नंबर का और दूसरा बनता है 15 नंबर का। क्वेश्चन जैसे कि अगर आपसे पूछ लेता, जैसे यहाँ पर TEM पूछा गया है, अगर पूछ लेता SEM स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ठीक है, तो ये माइक्रोस्कोपी के प्रकार हैं। पूछा जाता है माइक्रोस्कोप क्या है, व्हाट इज माइक्रोस्कोप, डिस्कस द टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप एंड डिस्कस इट्स प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन, वर्किंग भी पूछ लिया जाता है। तो आपको माइक्रोस्कोपी का टॉपिक पूरा क्लियर कर लेना है, ये आपका पहला प्रश्न रहेगा। और अगर आप ये पहला यूनिट नंबर फर्स्ट अगर आपका तैयार है, तो ये मानकर चलिए कि आपके 5 नंबर और ये 20 नंबर आपका पहला यूनिट ही आपको देगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ फर्मेंटर्स, किण्वक के प्रकार, क्या पूछा गया है, किण्वक के प्रकार कितने हैं ये आप बताइए, और ये भी क्वेश्चन से रिपीट हुए हैं, तो इनको विशेषकर आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है इतनी चीजें। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि डिस्क्राइब द फॉलोइंग, निम्नलिखित का वर्णन कीजिए। दिया गया है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, जीवाणुओं में पोषण की जो विधि है वो किस प्रकार की है, उसकी व्याख्या आप यहाँ पर कीजिए, ओके। तो ये पहला प्रश्न है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। इन प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिएगा। अगला आपका प्रश्न देखिए पूछा गया था बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन, जीवाणु में ट्रांसफॉर्मेशन। अब यह क्वेश्चन दोस्तों 2021 सत्र से लेकर के 24 सत्र तक सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में रिपीट हुआ है, अवध विश्वविद्यालय में आया हुआ है, वीर बहादुर पूर्वांचल विश्वविद्यालय जो है उसमें भी ये रिपीट हो चुका है। तो ये आप तैयार कर लीजिएगा। अगला देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राइट अबाउट द फॉलोइंग, निम्नलिखित के बारे में लिखिए, वायराइड्स क्या होते हैं, क्या दिया गया दोस्तों, वायराइड्स, ठीक है, तो वायराइड्स क्या है ये प्रश्न पूछा गया है। अगला है परजीवी पैरासाइटिक एल्गी, परजीवी शैवाल जिसे कहते हैं, तो शैवाल के बारे में पूछा जाता रहता है कि शैवाल क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ शैवाल, नील ब्लू ग्रीन एल्गी पूछ लिया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, चौथा क्वेश्चन है कि व्हाट आर वायरस, वायरस क्या है, गिव एन अकाउंट ऑफ वेरियस सिम्टम इन प्लांट प्रोडक्टेड बाय प्लांट वायरसेस, विषाणु क्या है, पौधों में विषाणु द्वारा जनन उत्पन्न लक्षण का विवरण दीजिए। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसको आप तैयार कर लीजिएगा, BIP प्रश्न है, ठीक है, BIMP वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट,
सो इस प्रश्न को आप क्लियरली तैयार करके जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, लॉन्ग वाले सेक्शन में ये प्रश्न आपके एग्जाम में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, जिसमें पूछा गया है कि रोल ऑफ माइक्रोब इन एंटीबायोटिक प्रोडक्शन, एंटीबायोटिक उत्पादन में जीवाणुओं की क्या भूमिका है, इस पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। जब भी टिप्पणी लिखने के लिए पेपर में आपसे पूछेगा तो 50 प्लस वर्ड अगर आपके तैयार हैं तो एग्जामिनर आपको, अगर 10 नंबर का प्रश्न है, अगर क्लियरली आपने 50 प्लस वर्ड लिखा है तो 8 नंबर इसमें से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे। अगला पूछा गया है जैव कीटनाशक, क्या पूछा गया है दोस्तों, जैव कीटनाशक क्या होते हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैव कीटनाशक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाले एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न है, डिस्क्राइब द रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन इन एल्गी विद द हेल्प ऑफ सूटेबल डायग्राम, उपयुक्त चित्रों की सहायता से शैवाल के सुकाय की संरचना का वर्णन कीजिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि लगभग 3 से 4 प्रश्न शैवाल से पूछा जा चुका है, तो शैवाल का टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपके समझ में आ चुका होगा। इसी के साथ ही साथ आपको ये पता चल गया होगा कि माइक्रोस्कोपी का टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। बैक्टीरिया का टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, ये 3 टॉपिक आपके समझ में आ चुके हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ से ज़्यादातर प्रश्न पूछे गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई डिसीजन रेजिस्टेंस, राइट अबाउट द इम्पॉर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म अडॉप्ट बाई प्लांट अगेंस्ट फाइथागन, ठीक है, रोग प्रतिरोधकता से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चंस आपको इतना अगर पूरा नहीं तैयार कर पा रहे हैं तो रोग प्रतिरोधकता से आप क्या समझते हैं, ये तैयार करके जाइएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं, इसलिए मैं इसको ट्रिपल स्टार से मेंशन कर दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी पूछा गया था कि पौधों में रोगाणुओं के विरुद्ध महत्वपूर्ण प्रतिरक्षा क्रियाविधि के बारे में क्या आपकी राय है, वह भी दीजिए। तो ये प्रश्न आपके पूछे गए थे आपके इस क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। तो इतने प्रश्न थे, इन सभी में क्वेश्चन पेपर को देखने के बाद आपके मन में जो प्रश्न थे मुझे लगता है लगभग क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि आपको टॉपिक भी पता चल गया, प्रश्न तो पता ही चला लेकिन ये पता चल गया कि कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके पूरे पाठ्यक्रम से, ठीक है। दोस्तों इसी प्रकार से सभी विश्वविद्यालय के पेपर मैं आप लोग को प्रोवाइड कराने का प्रयास करूँगा टेलीग्राम पर, ताकि आप लोग उन क्वेश्चन पेपर को देख सकें और उन प्रश्नों को हल भी कर सकें। दोस्तों आप सबका कमेंट रहता है कि चैप्टर वाइज चैप्टर क्लास कब से आ रही है, तो मैं आपको बता दूं जल्द ही आपकी चैप्टर वाइज चैप्टर क्लास आएगी, और इस बार बोर्ड पर क्लास होगी आप लोगों के लिए, आप लोग को इस प्रकार का सामना नहीं करना पड़ेगा। मेरा प्रयास है बेटर ढंग से आप सबके लिए सुचारू रूप से मैं क्लास चला सकूं, इसके लिए मैं ऑफिस तैयार करा रहा हूं, जल्द ही सारी चीज़ें सुचारू रूप से चल सकेंगी। तो सपोर्ट बनाए रखिएगा, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि सभी लोग हमसे जुड़ सकें और अपने जो बेटर तैयारी है वो हमसे कर सकें। दोस्तों आप लोग को बता दूं 2021 सत्र से 24 सत्र चल रहा है लगातार, मैं बीएससी के लिए नई शिक्षा नीति के अंतर्गत क्लास प्रोवाइड कराता हूं, तो लगभग जो हमारे स्टूडेंट हैं जो इस बार फाइनल ईयर में गए पास हो चुके हैं, उनका जो रिजल्ट है 92% है, ठीक है, अधिकतम जो हाईएस्ट परसेंटेज है वो 92% रहा है, ठीक है। तो इसी प्रकार से प्रयास ये करेंगे कि आप लोग और हाईएस्ट मार्क्स लाएं, ओके। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।